मालदीव की सरकार ने शिवन्ना के बयान से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि वो पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया बयान है, यानी व्यक्तिगत बयान है, वो सरकार का जो आधिकारिक रुख है उसकी पुष्टि नहीं करता है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ऑफिशियल बयान ये आया है कि भाई शिवन्ना का जो बयान था वो व्यक्तिगत बयान था, लेकिन सरकार का एक मंत्री अगर इस तरह का बयान देता है तो व्यक्तिगत नहीं हो सकता? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मालदीव सरकार की मंत्री ने ये ट्वीट किया, हालांकि बाद में वो ट्वीट हटा लिया था, भारत के विरोध में काफी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। हालांकि अब देखिए मालदीव सरकार उनके बयानों से किनारा कर रही है और साफ तौर पे कह रही है कि ये सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है, ये उनकी निजी कैपेसिटी में दिया गया बयान है। लेकिन जब से मालदीव में नई सरकार आई है उसके बाद से ही ये नई सरकार लगातार चीन के बहुत करीब जा रही है और यही वजह हो सकती है कि भारत विरोधी जो तमाम बातें की जाती हैं मालदीव की सरकार की तरफ से उसका एक यह हिस्सा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के किनारे से जो तस्वीरें शेयर की थी उसमें कहीं भी मालदीव के बायकॉट का उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ अपनी तस्वीरें शेयर की थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों को लेकर मालदीव की सरकार और जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उससे जुड़े तमाम जो नेता अलग अलग ट्वीट कर रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे, उसके बाद से भारतीयों में भी काफी गुस्सा था। क्योंकि मालदीव के लिए भारत लगातार मदद करता रहा, चाहे कोविड का वक्त हो या 1988 में जब तख्तापलट मालदीव में किया जा रहा था उस समय भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह से खत्म किया था। इन सब मदद के बावजूद भी जो मौजूदा सरकार है मालदीव की वो प्रो चाइना ज्यादा है और इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो कहीं ना कहीं चीन के दबाव में ऐसी हरकतें, ऐसे अपमानजनक बयान मालदीव की सरकार के तमाम लोगों की तरफ से दिए जाते हैं। जी, सिद्धांत सिब्बल भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धांत, इन सबके बीच वहां जो कुछ सेन वॉइसेस कही जाए जो कि अभी भी समझदार लोग हैं जो जानते हैं कि भारत की अहमियत क्या है, मोहम्मद नशीद उनमें से एक है, उन्होंने ये कहा है कि साफ साफ पर इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए शिवना के ऊपर, सिर्फ जो बयान से अलग कर लिया है खुद को उतना काफी नहीं होगा। जी, मैं आपको बता दूं कि मालदीव पॉलिटिकल क्लास में एक तरफ से एक सॉलिडेरिटी दिखाई दी है, ऑपोजिशन ने जो ये एक तरफ से स्टेटमेंट दी थी उसको लेकर काफी आड़े हाथों लिया है सरकार को और कहा है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और ये तब हो रहा है जब मैं आपको बता दूं कि मुइजो आज ही चीन की तरफ जाने वाले, एक हफ्ते की उनकी यात्रा है और जैसे हमने बताया है कि कैसे मुइजो सरकार काफी एंटी इंडिया स्टांस पहले ले चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की एक सॉलिडेरिटी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो दिखाता है कि कैसे भारत को कर एक पॉजिटिव एक तरफ से फीलिंग है मालदीव के अंदर। पर जो नई सरकार है वो कहीं ना कहीं सोसाइटल एक्शन जो दे रही है और कहीं ना कहीं जो एक्शन बोल रही है कि जो हाइड्रोग्राफिक पैक्ट था रिसेंटली उसे रिन्यू नहीं करा, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का स्टांस डिफरेंट है। तो एक तरफ से डिप्लोमेटिक एक टेंस सिचुएशन बनी हुई है और क्या मोइजू प्रेसिडेंट मोइजू इस पर कमेंट करेंगे वो अब देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, और इस तरह के बयान जो है कतई बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। सिद्धांत, अगर इस पूरे मामले को लेकर भारत का रुख जो है साफ है कि एतराज जताया गया है, सफाई आ चुकी है, लेकिन अगर ये एस्केलेशन और होती है तो आगे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, ये एस्केलेशन हो चुकी है, एक पीक पॉइंट आ चुका है, मालदीव सरकार ने भी एक तरफ से अपना कमेंट्स दे दिया है, तो सरकारी अगर लेवल पे हम देखें तो मामला एक तरफ से खत्म हो गया है। अगर मोइजू प्रेसिडेंट मोइजू निकल कर आते हैं तो शायद मरहम की तरफ उसको देखा जा सके, पर एक तरफ से जो सोसाइटल डैमेज है वो एक तरफ से क्रिएट हो गया है। जो कमेंट्स दिए गए हैं, माफी तो उन्होंने नहीं मांगी अभी तक, हमने रीच आउट भी करा है उनको, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक हम एक्शन देख सकते हैं। जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में कैसे अब भारतीय शायद मालदीव ना जा सके, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर महीने का जो डेटा था उसमें भारतीय मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नेशनलिटी है उसमें हाईएस्ट नंबर था। जी बिल्कुल, विशाल पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जाहिर सी बात है कि मालदीव्स की अगर बात की जाए तो मालदीव्स बड़े पैमाने पर भारतीय सैलानियों पर निर्भर करता है। अगर बात छोड़ भी दी जाए, भारत सरकार की ओर से दवाएं या फिर पानी जो पहुंचाया गया था उसको भी छोड़ दिया जाए, और अब भारत के सेलिब्रिटीज ने भी खुलकर के आवाज उठाई है, चाहे सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो या तमाम सेलिब्रिटीज, अब जो है ये कह रहे हैं कि भाई अपने देश में रहिए, अपने देश में जो है कई अच्छी जगह हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की उसके बाद से मालदीव में जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं उनकी तरफ से जो ट्वीट किए गए, जिस तरह से भारतीय टूरिज्म को लेकर अपमानजनक तुलना की गई, उसके बाद से अगर देखा जाए तो भारतीय जो फिल्म स्टार्स हैं, जो अभिनेता हैं, उन्होंने भी इस पर लिखा है कि कैसे भारत का जो पर्यटन है वो बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये एक आईना है मालदीव के उन लोगों को जो इस पर बिना वजह का विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के माध्यम से कहीं भी मालदीव को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन ये जानबूझकर मालदीव ने इसे अपने ऊपर लिया और उसके बाद भारत विरोधी बयान, भारत के पर्यटन के खिलाफ और तमाम ऐसी चीजें शेयर करने लगे जिससे जो मौजूदा मालदीव की सरकार है, क्योंकि वो काफी प्रो चाइना मानी जाती है और एक तरह से एंटी इंडिया मूवमेंट को खड़ा कर ही मोइज़ू अभी सत्ता में आए हैं, नई नई उनकी सरकार का गठन हुआ है और अपनी पहली यात्रा पर जो मौजूदा राष्ट्रपति है मालदीव के वो चाइना जा रहे हैं 5 दिनों के दौरे पर। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल मालदीव की मौजूदा सरकार चीन के बहुत ज्यादा दबाव में है और इसीलिए मालदीव की सरकार के तमाम मंत्री और उनसे जुड़े जो लोग हैं वो इस तरह की भारत विरोधी टिप्पणियां कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। Zee News.